नमस्कार, विजय लक्ष्मी फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल का केक, वो भी बिना बटर और बिना घी के। तो आइए चलते हैं किचन में। आज हम नारियल का केक बनाने जा रहे हैं। उसके लिए ये हमने नारियल लिया है, ये जो हरा नारियल होता है उसमें से हमने ये कच्चा नारियल निकाल कर उसके टुकड़े कर लिए हैं। अगर आप मार्केट में दूसरा नारियल लाते हैं जो ब्राउन कलर का छिलका होता है उसका, और उसको आप काट कर उसके छिलके उतार लें। मैंने कच्चा लिया है तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ इसमें। इसमें हमने मिक्सर का जार ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे इसको, और इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी चीनी, ये भी इसमें डाल देंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। इसको पहले हम ऐसे ही पीसेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। ये नारियल और चीनी को हमने पीस लिया है और इसमें अब थोड़ा सा दूध डालेंगे इसको मिक्स करने के लिए। ये आधा कप हमने दूध डाला है इसमें और इसको भी ग्राइंड करेंगे। ये हमने इसको बिल्कुल मिक्स कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है चीनी और नारियल को, ये देखिए। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। क्योंकि हम केक कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसको हम प्री हीट होने देते हैं 10 मिनट के लिए। तो गैस को हमने जला दिया है और इसमें एक ये स्टैंड रख देंगे। अगर स्टैंड ना हो तो इस तरह की आप कटोरी भी रख सकते हो, और हम स्टैंड रख रहे हैं इस तरह, और इसको 10 मिनट प्री हीट होने देते हैं और इसको ढककर रख देंगे इस तरह। अब सबसे पहले हम एक केक टिन तैयार करेंगे, और ये हमने एक बर्तन लिया है, ये हमारे पास एक डिब्बा है, यही हमने स्टील का लिया है, और इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, इस तरह से ग्रीस कर देंगे। और इसमें हम रख देंगे एक बटर पेपर, अगर बटर पेपर ना हो तो आप थोड़ा सा मैदा लेकर इसमें सारे छिड़क दें ताकि केक इसमें चिपके नहीं। और ये हमारे पास बटर पेपर है तो हम इसमें ये लगा देंगे और इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे थोड़ा सा। और इसको पहले तैयार करके रखेंगे। अब इस नारियल चीनी का जो हमने बैटर बनाया है इसमें हम डाल देंगे, ये 1.5 कटोरी हम डालेंगे इसमें। ये हमने मैदा लिया है छान के और इसमें 1.5 कटोरी डाल देंगे इस तरह से, ये आधी कटोरी। और इसमें डाल देंगे हम मिल्क पाउडर, आधी कटोरी हमने मिल्क पाउडर लिया है, इसको डाल देंगे। और ये आधी कटोरी हमने दही लिया है, इसको हमने थोड़ा सा फेंट लिया है, और ये भी इसमें डाल देंगे आधी कटोरी। अब इसको मिक्स करेंगे, अब विस्कर से इसको मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। और अब इसी मिक्सर में हमें यहाँ पे वो जो इसका मिश्रण लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसको भी थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। अभी ये बैटर हमारे को गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा इसमें दूध और डालेंगे हम। और इसको मिक्स करेंगे। अब इस तरह का बैटर हमें चाहिए केक के लिए,
ये देखिए इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसमें ना तो कोई बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं ना बेकिंग सोडा, क्योंकि कई बार होता है बेकिंग पाउडर घर पे नहीं होता, तो इसलिए हमने इनो का एक सैशे लिया है। ये दोनों काम करेगा, बेकिंग पाउडर का और बेकिंग सोडे का भी काम करेगा। और हम इसको डाल देते हैं 1 चम्मच इसमें। इसमें डाल देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल देंगे। और इसको जल्दी से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये बैटर फूलने लग गया है। अब जल्दी से हम इसको केक टिन में डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा टैप करेंगे इस तरह से और इसको सेट कर देंगे। कढ़ाई को गर्म होने के लिए 10 मिनट हो गए हैं, ये प्री हीट हो गई है। अब हम इसका बर्तन प्लेट निकाल देंगे ऊपर से और इस बर्तन को इसमें रख देंगे इस तरह से। और इसको इससे ढककर रखेंगे और इसको 50 से 55 मिनट तक के लिए इसको हम बेक करेंगे इसी कढ़ाई में धीमी आंच पर। आप 45 मिनट बाद आप चेक कर सकते हो तो एक बार कि बना है कि नहीं केक, नहीं तो आप 5-10 मिनट और रख सकते हो। जब तक हमारा केक तैयार होता है, केक पर डालने के लिए हम रबड़ी तैयार कर लेते हैं। और हमने ये एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें हम 1 कप दूध डाल देते हैं गर्म होने के लिए और इसको गर्म होने देते हैं। अब ये दूध गर्म हो गया है, इसमें 4 चम्मच चीनी डाल देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। और ये लिया है हमने कॉर्नफ्लोर, ये 1 चम्मच, ये लिया है 1 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर और इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। अब हमने इसको कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लिया है और दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे और इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये तले में जाकर ना लगे। अब ये दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, इसको 3-4 मिनट तक हमने पका लिया है। अब ये हमारी रबड़ी तैयार हो गई है, इस गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। केकों को हम चेक कर लेते हैं, 50 से 60 मिनट हो गए हैं, हमने बीच में चेक किया था, एक बार फिर इसको चेक कर लेते हैं। ये हमने टूथपिक ले ली है, ये हमारा केक बन गया है। ये देखिए ये बिल्कुल साफ निकल रही है और ये साइडों से भी छोड़ दिया है इसने, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। अब इस प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा और कितना बढ़िया हमारा केक बना है। और इस पेपर को भी हम निकाल लेते हैं, बटर पेपर को, और इसको हम सीधा कर देते हैं। अब इसको सीधा करेंगे। अब इस फोक की मदद से इसमें छोटे छोटे छेद कर देंगे, होल करेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर हम ये जो रबड़ी बनाई है इसके ऊपर डाल देंगे। और थोड़ी साइडों में भी डाल देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ये पिस्ता के कतरन डाल देंगे इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी।
और इसके ऊपर थोड़ा सा ये नारियल को कद्दूकस किया है हमने, ये भी डाल देंगे इसके ऊपर। ये हमारा नारियल वाला केक बनकर तैयार है। अब हम आपको काट कर दिखाते हैं ये कैसा बना है। ये देखिए, ये देखिए, ये अंदर से कितना अच्छा और बढ़िया जालीदार बना है केक हमारा। स्पंजी केक बना है, और आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। ये देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।